आओ एक दास्तां सुनाता हूँ COVID-19 की, क्योंकि हमारा मीडिया कुछ और दिखा रहा है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम आप परंतु इस कोविड को इंडिया में आए 6 महीने हो चुके हैं। रोज 1,000 डेथ्स हो रही हैं और आगे आने वाले 3 महीनों में शायद वैक्सीन ना आए। सरकार ने लॉकडाउन किया लेकिन लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन आज भी हम अगर देखें तो लोगों में समझ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये चाहिए था। लेकिन देखो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। दिस इज नॉट अबाउट योर इंडिपेंडेंस, दिस इज अबाउट टेकिंग योर फ्रीडम अवे, दिस इज अबाउट मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, बिकॉज दिस डज नॉट वर्क। ये मास्क नहीं, ये तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। अगर कोई तुम्हें मास्क के लिए बोले पहनने के लिए, उसे मना कर देना, उसे प्रूफ मांगना, सबूत मांगना उनसे। सबूत उन 80,000 लोगों के घर वालों से पूछना जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को गवा दिया। जब कोई कोविड का पेशेंट सिक हो जाता है तो उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और इसके लिए हमें उसे ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, और उसमें भी मेंटेन ना कर पाए तो ऑक्सीजन लगभग 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से भी लगाना पड़ता है। सबूत उन मरीजों से पूछो जो सांस के लिए तड़पते हैं, या उन घर वालों से पूछो जिन्हें अपने मरीज के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाता। 4 coronavirus patients have died at a hospital in Madhya Pradesh's Devas district. Several others were left with inadequate levels of oxygen for nearly 7 hours on Wednesday after Maharashtra, from where a percentage of the state's store of oxygen is purchased, limited that supply. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। आइए देखते हैं कि हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है अभी। इस क्राइसिस के टाइम पे कितने कोविड वॉरियर्स ने, नर्सिंग ऑफिसर्स ने, डॉक्टर्स ने, वार्ड बॉय ने अपनी जान गंवाई, और क्या कभी उनकी फोटो देखी टीवी में? खला जेल के क्वारंटीन बैरक में रिया कल रात भर करवटें बदलती रही, ठीक से सोई नहीं। वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी। रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। जब इतना कुछ सहकर भी हम फिर से मैदान में लड़ने आते हैं तो मरीज के साथ वाले गुंडागर्दी करते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं। क्या हम अपनी सेक्रीफाइस के लिए ये डिजर्व करते हैं? लॉकडाउन के शुरुआत में इंदौर में सैंपलिंग करने गए हुए हेल्थ केयर टीम पर लोगों ने पत्थर मारे, उनको भगा भगा कर मारा। क्या इस सोसाइटी के लिए हम इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं? पीपीई पहनकर डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज 6-6, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। ऐसा सूट जिसमें सांस भी नहीं आती, ऐसा सूट जिसमें आप खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, बस मरीजों की सेवा में लगे हुए होते हैं। इतना सब देखने के बाद कोई क्यों डॉक्टर बनेगा? कोई क्यों 30 साल तक पढ़ाई करेगा? कोई क्यों अपने घर से दूर रहेगा?
हमारे आने वाली पीढ़ी में डॉक्टर कोई क्यों बनना चाहेगा जब डॉक्टर का हश्र ऐसा होता है। एक न्यूज के मुताबिक 570 डॉक्टर्स ने अभी तक जान गंवा दी है। हम कितने लोग जानते हैं उन्हें, उनके घर वालों का क्या? लेकिन फिर भी हम डॉक्टर्स और नर्सेस लगे हुए हैं, हम हार नहीं मान रहे। ये घटना गुजरात की है जहां पे आईसीयू में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी वहां के डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स ने साथ नहीं छोड़ा, एक एक कर सारे मरीजों को बाहर निकाला। ये सब क्यों कभी सोशल मीडिया में वायरल नहीं होता? क्यों कभी टीवी मीडिया वाले इसको नहीं दिखाते? क्यों वो मारने वाले अटेंडेंट्स इस चीज़ों को नहीं समझते? क्या हमारी सोसाइटी यही रह गई है? मेरे साथ बहुत सारे एनेस्थेटिस फ्रेंड्स हैं, नर्सेस हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, जो हर महीने कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं, हर महीने खुद घर से दूर रहकर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं उन सबको सल्यूट करता हूँ और बाकी सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। हमें नहीं चाहिए ये थाली पीटना और ये झूठा सम्मान, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत हमारे प्रति बनाए रखें।